प्रथम फरवरी 1968 रात्रि क्लास, ये नाटक चल रहा है। देखना है इस नाटक में तुमने कोई भूल की। ड्रामा चल रहा है, ड्रामा ने भूल कोई कराई ना, जानबूझकर भूल की क्या? भक्ति से दुर्गति में पहुंचे, तो इसमें भक्ति का या भक्तों का कोई दोष थोड़े ही है। भक्ति में तो अंधश्रद्धा ही होती है। ड्रामा अनुसार पाठ चला, भक्ति मार्ग में। बच्चे कहेंगे भूल हुई ड्रामा अनुसार, ड्रामा ने भूल कराई, तो वो भक्ति मार्ग में तुमने भूल नहीं की, ड्रामा ने कराई। ये ड्रामा में नूद, अभी फिर तुमको ड्रामा अभूल बनाता है। अगर ड्रामा में ही सब कुछ हमेशा होता है तो तुम्हारी मेहनत ही क्या हुई? ड्रामा में नूंद है ऐसा समझने से फिर दुख की बात नहीं होती। बीती सो ड्रामा, ड्रामा ने चलाया, घाटा पड़ा ड्रामा ने कराया, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं बनाई बनाई बन रही, अब कछु बने नहीं ना। 63 जन्मों में जहां जहां जैसे हमने पाप किए पुण्य किए, वही अभी ड्रामा की रील घूमती है। ऐसी कोई बात नहीं जो बिगर नूद हुई हो। जो कुछ भी नूद होता है वो ही होता है। फिक्रात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। अभी तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान मिला हुआ है, इसलिए जो भी होता है साक्षी होकर के देखो। जो भूल हुई वो भी ड्रामा अनुसार हुई, हम चिंता क्यों करें? जो ड्रामा में था सो हुआ, फिर चिंता की बात ही नहीं। सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य तो ड्रामा को जानते नहीं है, परंतु अभी तो तुमको ज्ञान मिला है। कुछ भी हुआ चिंता नहीं, फायदा हुआ तो अच्छा हुआ, नुकसान हुआ ड्रामा में नूट था। सेकंड बाई सेकंड जो ड्रामा में है वो ही चलता रहता है। ड्रामा अनुसार हरेक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई चोरी करते हैं, अपने बलि के लिए करते होंगे, सोचते हैं पेट गुजारा होगा। अब उनमें अपनी समझ तो है नहीं,
ये बातें सुख दुख मान अपमान की बातें होती हैं, भक्ति मार्ग में दुख धाम में ये बातें होती हैं, सत्युग में तो ये बातें होती नहीं है, जो होता है रामानुसार। भूल घड़ी घड़ी करते रहेंगे तो खाता खराब हो जाएगा। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर नीचे गिर जाएगी, तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का फर्ज है स्टडी अच्छी करना, अच्छी स्टडी करेंगे तो मर्तबा मिलेगा, पढ़ाई में फायदा होता है। ऐसे भी बहुत हैं नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है इनकी तकदीर। दिल खुश करते हैं, मैं तो समझाता ही हूं। बाबा कहते हैं तुम कुछ भी नहीं समझते हो, बुद्धू बुद्धि हो, सेंटर खोलने में बहुतों का कल्याण होता है, इसका बहुत फायदा मिलता है, ऐसा शुभकारी कर लेना चाहिए, भविष्य के लिए उनकी कमाई जैसे कि चालू ही बनी रहती है, क्योंकि सेंटर स्थापन करने में मदद करते हैं तो फायदा बहुत मिलता है। सेंटर ही खोलना है या मकान आदि बनाना है, मतलब जो करता है मदद उनको जरूर मिलती है रिटर्न में, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे प्रजा भी बनानी पड़े। सेंटर खोलने का शौक जरूर चाहिए, व्यापारी लोग दुकान खोलते रहेंगे, बिरला के कितने कारखाने हैं, बहुतों को फायदा होता है, जिसने जिसने माल खरीदा उसको फायदा हुआ, बहुतों की आजीविका होती है, तो ये सब किया जाता है भविष्य के लिए। भविष्य हमारा बनता है ये तुम जरूर जानते हो, तो जितना हो सके भविष्य में जमा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यहां तो 21 जन्म के लिए जमा करना है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी चौपड़ी निकालो। कोई कोई व्यापारी रोज का भी हिसाब निकालते हैं, तुमको भी रोज जांच करनी है, तुम्हारी तो ढेर कमाई है, देखना चाहिए हमारे से ऐसी तो कोई भूल नहीं होती है जिससे घाटा पड़ जाए। याद का पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, अनुभव किया जाता है 2-3 मिनट याद ठहरती है फिर भूल जाते हैं, फिर याद करें। दृष्टि देकर कुछ खाया तो असर नहीं होगा, बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, बाप की याद में खाओ। ग्रस्त व्यवहार में तो अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डायरेक्शन देता हूं, कहता हूं कि खाने में हर्जा नहीं है अगर दृष्टि देकर के खावेंगे। हमारा कोई हठयोग तो नहीं है जो भूख मरे, अपन को कष्ट देने की दरकार नहीं है, इसलिए सब बातें सहज की जाती है। जब किसी का कल्याण करते हो तो ऐसे समझो हम भाई को समझाते हैं, ये टेव रखनी है कि क्रिमिनल आई नहीं हो जाए, क्रिमिनल आई चलेगी नहीं, शरीर को ही हम बुलाए देते, ये बड़ी कोई पॉइंट है और बड़े कड़े पुरुषार्थ की पॉइंट है।
ये वंडर है ना, जो बाबा तुमको इस वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसका तो नाम ही है स्वर्ग। नाम किस आधार पर पड़ता है? क्या काम किया जो स्वर्ग नाम पड़ा? स्वस्थिति में गमन किया तो उसका नाम पड़ा स्वर्ग। गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, जो पढ़ाने वाला है कितना साधारण और कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। बच्चों को कहते हैं नमस्ते, क्योंकि तुम मेरे से भी ऊंची जाते हो और तुम ही फिर कंगाल बनते हो। बाप देखो कितनी रुचि से आते हैं, अनगिनत बार आए होंगे और तुम अनगिनत बार मुझे राम से राज्य लेते हो और कल फिर तुम रावण से राज्य हराते हो। तो ये भी एक खेल है, ड्रामाबाजी है। अच्छा, ओम शांति। प्रातः क्लास है 2 फरवरी 1968। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूहिहान कर रहे हैं। जिस्मानी स्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ रूहिहान भी नहीं करते। ये तो सभी आत्माएं जानती है कि एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी एक ही देते हैं। टीचर का काम ही शिक्षा देना, गुरु का काम है मंजिल बताना, और मंजिल को तो तुम बच्चे समझ गए हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए आदि की यात्रा बहुत जरूरी है और रचना के आदि मध्यंत को भी जानना जरूरी है। दोनों ही बातें सही है। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, वो याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी हमको वापस जाना है। परंतु आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती जब तक कि पावन न बने। तो ऐसे ऐसे अपने साथ विचार सागर मंथन करना है। जो पुरुषार्थ करेंगे वो ही पावेंगे, और ऐसा विचार सागर मंथन करने वाले खुशी में भी आवेंगे, फिर दूसरों को भी खुशी में ले आवेंगे, औरों पर भी कृपा तो करनी है ना, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का भी संगम होता है। वहां तो कोई पुरुषोत्तम बनते नहीं है, और यहां तो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसे पुरुषों में उत्तम बनते हो जो तुम्हारी यादगार माला के संगठन के रूप में हर धर्म में फेरी जाती है। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। ये भी कोई कोई याद रहता है, कोई तो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। अगर यह भी याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, आत्माओं के बीच में हम ऐसी आत्मा हैं जो उत्तम से उत्तम पाठधारी है,
तो भी खुशी का पारा चढ़ाए। बाबा टीचर के रूप में सदगुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े, परंतु चलते चलते बीच में रोला पड़ जाता है। किसको थोड़ा रोला पड़ता है, किसी को बहुत पड़ता है, पड़ता तो जरूर है। पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ते हैं तो डोरी के सहारे चढ़ाई चढ़ते हैं। यहां कौन सी डोरी है? स्मृति की डोरी है। कोई तूफान आता है तो ऊपर नीचे होना पड़ता है, या चोटी पर चढ़ते ही जाएंगे। तूफान आया और चोटी पर चढ़ रहे हैं, अगर शेल्टर नहीं लेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। बच्चों की अवस्था भी ऐसी होती है, कोई बहुत ऊंचे चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, कोई तो ऐसे गिरते हैं जो पहले से भी जास्ती गिर पड़ते हैं, सारी की हुई कमाई चट हो जाती है। बल कितना भी दान पुण्य करते हैं तो पुण्यात्मा बने, वो पुण्य करते करते फिर पाप करने लग पड़ते हैं, पाप करते हैं तो वो पुण्य भी खत्म हो जाता है। और यहां तो सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना, याद से ही पुण्यात्मा बनेंगे। अगर भूल हो जाए, दूसरों का संग लग जाए तो पाप करने से वो पुण्य खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं है पुण्य जो किया है सो जमा होगा, नहीं, पाप करने से वो पुण्य नुकसान हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, कभी कभी तो कमती भी हो जाता है। समझो कल दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, बाद में बेमुख हो जाते हैं, तो आगे से भी नीचे जास्ती कर सकते हैं, फिर वो खाता जमा नहीं रहेगा, घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से घाटा होता जाएगा, बहुत पाप खाते चढ़ जाते हैं, मुरादी संभाली जाती है ना। बाप कहेंगे तुम्हारा खाता पुण्य का था, फिर पाप करने से 100 गुना हो जाता है, तो बाकी क्या रहा, और ही चट खाते में पड़ जाएगा। पाप भी कोई बहुत कड़ा होता है, कोई हल्का होता है। काम का दोष है बहुत कड़ा, फिर क्रोध है सेकंड ग्रेड, और लोभ इनसे भी कम है, मोह फिर इनसे भी कम। सबसे जास्ती काम के वशीभूत होने से जो जमा होता है वो ना हो जाता है, फायदे के बदले और ही नुकसान हुआ। कहते हैं सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, बाप का बनते हैं फिर बन करके छोड़ देते हैं, कोई तो कारण हुआ ना। अक्सर करके काम की चोट लगती है, ये बहुत कड़ा दुश्मन है, और इस दुश्मन की एफजी बनाते हैं। एफजी बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, तो साकार की यादगार में पुतला बनाते हैं या हवा का पुतला बनाते हैं। कोई साकार में हुआ है,
जो ऐसे खराब वाइब्रेशन बनाने वाला है कि हम उसके वाइब्रेशन के वशीभूत हो जाते हैं। क्रोध वालों का एफसी नहीं बना देंगे, तो बच्चों को इस काम पर ही पूरी जीत पानी है। अगर काम के ऊपर जीत पाई तो जगत जीत बन जावे। कहते भी हैं काम जीते जगत जीत, फिर कथाएं बना दी है। क्या कथा बनाई है? काम धन की कथा बनाई है। शंकर ने क्या किया? कामदेव को भस्म कर दिया, राख बना दिया। तो शंकर के लिए कहा जाता है जगत जीत, विश्वनाथ। ऐसे नहीं कि क्रोध लोगों पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। मुखिया को जीत लिया तो जगत जीत बन जाएंगे। तो मुख्य बात काम की है। बुलाते भी है हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, अब हमको आकर के पावन बनाओ। जिसका राज्य होता है तो यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। राजा में बहुत ताकत होती है, जरूर वाइब्रेशन की भी ताकत रही होगी, तो उसके प्रभाव में आते रहे। प्रभाव में कब आते हो? पतित बनते हो तब प्रभाव में आते हो, या पावन थे तब प्रभाव में आए? मनुष्यों को इन काम विकार से कितनी प्रीति होती है। बाप कहते हैं तुमने काला मुंह किया तो कुल कलंक लगाया। क्रोध लोभ के लिए ऐसे कड़े अक्षर कब नहीं निकलेंगे? सारा मदार हार जीत का काम के ऊपर है, और काम विकार की मार से पिटे हुए ही ऐसे पतित बाप को बुलाते हैं। विकार में जाने वालों को भी पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। क्रोध करने से कोई शक्ति छीन होती है क्या? और ये चेहरा आंखें आग बबूला हो जाती है। शक्ति छीण कैसे होती है? काम विकार में गिरने से पतित बनते हैं। पतित होना ही माना नीचे गिरना। तन की पावर से नीचे गिरते हैं और मनोबल से भी नीचे गिर जाते हैं। फिर कहते हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले, हे सभी सीताओं के राम, आओ। फिर ये अर्थ नहीं समझते हैं। सीताएं कौन है और राम कौन है? राम है एक और सीताएं है अनेक। सीताएं सब रावण की जेल में आ जाती है, रावण के चंबे में आ जाती हैं। है कहां की बात? कैसे? राम चंबे में नहीं आता, सीताएं सब रावण के चंबे में आ जाती है। क्यों है? सीताएं क्यों प्रभावित हो जाती है? उनका नाम ही क्या है? सीता माने क्या? सीता सीता
शीतल क्या होता है, चंद्रमा या सूर्य? चंद्रमा होता है शीतल और सूर्य होता है गर्म होता है। तो अर्थ नहीं समझते हैं, ये भी समझते हैं बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आवेंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधेरे में हो गए। कितना टाइम दे दिया है? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो अंधेरे में आ गए। ज्ञान और अज्ञान है ना, अज्ञान को कहा जाता है भक्ति, ज्ञानवान जानकारी। शक्ति किसको कहा जाता है? ऐसे झूठ की दुनिया में कौन सत्य है? यथा राजा तथा प्रजा, सारी दुनिया में रावण का राज्य है, तो सब झूठे हुए, दोगले हुए या सच्चे हुए? सत्य एक होता है या अनेक प्रकार का होता है? कोई कोई सच्चे दुकानदार होते हैं, कहते हैं एकदम, कभी पलटते नहीं है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और गॉड एक होगा या अनेक होंगे? एक ही गॉड है, एक ही सत्य है, बाकी तो तुंडे तुंडे मते भिन्न। भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको जानते ही नहीं, मंदिर बनाते रहते हैं, बीच में शिवलिंग रखेंगे, चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखेंगे, तो सच्चा कौन हुआ? जो बीच में एक बैठा हुआ है वही सच्चा हुआ ना, जिसकी पूजा करते रहते हैं। अब जानते ही नहीं है तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसलिए दान पुण्य आदि सब निष्फल हो जाता है, अज्ञान है ना। करके कुछ मिलता भी है तो अल्पकाल एक जन्म के लिए मिलता है या अनेक जन्मों के लिए मिलता है? भक्ति मार्ग में एक जन्म के लिए फल मिल जाता है, वो भी कागविष्ठा समान सुख मिलता है। कागविष्ठा किसे कहा जाता है? मनुष्य जो कुछ खाता पीता है उसका रस बनता है, खून बनता है, और जो कचरा होता है उसे विष्ठा कहा जाता है, मनुष्य की विष्ठा। और कौवा क्या खाता है? वो ही विष्ठा खाता है, फिर कौए की विष्ठा। तो जो भी सुख है वो सारा सुख निचोड़ लिया जाता है, और वो निचोड़ा हुआ सुख आखिरी जन्म में प्राप्त होता है, उसे कहते हैं कागविष्ठा समान सुख। बाकी तो दुख ही दुख है। अभी बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, और कोई दूजम को अगर याद किया तो दुख जरूर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब देखना है हम कितना याद करते हैं, विविचारी याद करते हैं या विविचारी याद करते हैं, ये देखना है। इतनी अभिविचारी याद हो
जो पुराना खाता खत्म हो नया जमा होता जाए। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, ये सारी याद की बात है। याद बिगर पाप कैसे कटेंगे, पवित्र कैसे बनेंगे? पवित्र बनने के लिए किसको याद करना पड़े? एवर प्योर एक बाप को याद करना पड़े। कैसा एवर प्योर है? और जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, सबको संग का रंग लगता है और नीचे गिर जाते हैं। और वो एवर प्योर कैसा है? वो ऐसा बड़े से बड़ा बेहद का गृहस्थी है कि अनेकों के संग के रंग में आने पर भी नीचे नीचे नहीं गिरता। नहीं तो अनुभव कहता है चलते चलते एक बार अगर काम विकार की मार में नीचे गिरे तो ज्ञान बुद्धि से सारा उड़ जाता है। बाप की तो यादगार ही देखो कैसी दिखाई जाती है। ऐसे एवर प्योर की याद किए बगैर पाप कैसे कटेंगे, कैसे पवित्र बनेंगे? ऐसे भी नहीं इस जन्म में याद करते हैं तो पाप भस्म हो जावेंगे, नहीं, पाप इस एक जन्म के नहीं है, 63 जन्मों के जन्म जन्मांतर के पाप हैं। पाप तो बहुत है ना, इस जन्म के जो पाप हैं, वो जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप थोड़ी कट जाएंगे। दो दो अरसठ की वाणी का दूसरा पेज। हाँ, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, बाकी तो बहुत मेहनत करनी पड़े, पूरे जन्मों का हिसाब किताब इकट्ठा हुआ है। वो सारा हिसाब किताब योगबल से चुकतू करना है। विचार करना चाहिए हमारा योगबल कितना है, इतने जन्मों का पापों का हिसाब किताब हम इसे एक जन्म में चुकतू कर सकेंगे? अगर नहीं चुकतू कर सकेंगे तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर जितनी सजाएं खाते जावेंगे उतना पद नीचा होता जाएगा। सोचना चाहिए हमारा जन्म सतयुग आदि में हो सकेगा, एकदम सतयुग के आदि में कौन सी आत्माओं का जन्म होगा? कितनी आत्माओं का जन्म होगा? नौला का जन्म होगा, नौला में प्रजा नहीं होगी, प्रजा तो पुरुषार्थ भी नहीं करती पाप कर्म भस्म करने का, योग वाला का ज्ञान सीखती भी नहीं, संदेश लेके चले जाते हैं। लास्ट में जब आवाज निकलेगा टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तब चल पड़ेंगे। तो एकदम सतयुग के आदि में कौन आवेंगे? माता पिता सारे अरे परिवार होता है या अकेले दुकेले से नहीं दुनिया शुरू हो जाती है? तो कौन आवेंगे? हाँ सूर्यवंशी तो आवेंगे। ऐसे कितने होते हैं जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं एक बाप दूसरा न कोई, कि उनको धर्मराज की कोई भी सजा नहीं खानी पड़ती। ऐसे आठ के द्वारा परिवार बनता है, निष्कलंक परिवार बनाकर जाते हैं बाप।
अगर आज में ही ऐसा कलंक लगा रहे, पाप साप बना रहे, तो आगे चल करके दुनिया की क्या हालत हो जावे। एकदम 100% सात्विक दुनिया बना के जाते हैं, तो सोचना चाहिए हमारा जन्म सतयुग आदि में हो सकेगा। हम पूरे 84 जन्म लेने वाले बनेंगे। जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, क्या करते हैं? पुरुष, पुरु माना पुरी, शरीर रूपी पुरी, पुरुष माना शरीर रूपी पुरी में आनंद करने वाला, आराम करने वाला, सोने वाला, चैन की नींद, उसको कहते हैं पुरुष। और पुरुषार्थ तो शरीर रूपी पुरी में कौन रहता है? आत्मा रहती है। पुरुषार्थ का मतलब ही है आत्मा के लिए सब कुछ करने वाला। इस शरीर की कोई चिंता नहीं, चिंता न रहे। हम आत्मा बाप के बच्चे बन गए, परमात्मा बाप के। तो जिस बाप के बच्चे हैं, वो आत्मा अपना ख्याल करे कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, शरीर तो विनाशी है। देखना चाहिए 24 घंटे में हम शरीर के लिए मेहनत करते हैं, देह के पोषण के लिए मेहनत करते हैं, देह के संबंधियों के लिए मेहनत करते हैं, या आत्मा के कल्याण के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं? फिर भी तो बाप ने छूट दी है, खासकर ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए। 8 घंटे आत्मा के लिए, जिसको कहते हैं पुरुषार्थ, और 8 घंटे देह और देह के संबंधियों के लिए टाइम देना चाहिए। फिर देखना है हम इतना करते हैं। इसलिए बोला कि जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात आत्मा के अर्थ ही करते हैं, वो ही सत्युग के आदि में जन्म ले सकेंगे। गृहस्थियों को तो झंझट रहेगा। क्या झंझट रहेगा? अपनी देह का पोषण करना और देह के संबंधियों उनका भी पोषण करना। तो वो बहुत पुरुषार्थ की लिस्ट में आया या सामान्य पुरुषार्थ की लिस्ट में आया? है, ये तो सामान्य पुरुषार्थ हो गया। इसलिए बोला जो अपनी देह और देह के संबंधियों का बिल्कुल परवाह न करे, जब से ज्ञान में आवे, जब से बाप को पहचाने, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे जो बहुत पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, वो ही सत्युग के आदि में जन्म ले सकेंगे। नहीं तो क्या होगा? 8 के बाद जन्म लेंगे या 7 जन्म लेंगे? 8 के बाद ही जन्म ले सकेंगे। और ऐसे सत्युग के आदि में जन्म लेने वाले छिपे नहीं रहेंगे। सबसे पहले कौन प्रत्यक्ष होंगे? वो अष्टदेव ही प्रत्यक्ष होंगे। परंतु इन बातों को सभी तो समझ न सके। क्या 8 की जब प्रत्यक्षता होगी तो बहुत थोड़े होंगे जो उनको समझ सकेंगे। सभी समझ नहीं सकेंगे कि फाइनल पेपर क्या होता है। क्या है फाइनल पेपर? नष्टो मोह। पहले अपनी देह से नष्टो मोह, जो मिला सो खाया। नहीं तो क्या होता है, सरेंडर तो हो जाते हैं। तो कीमियागारी बहुत कर, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। इससे तो भक्ति मार्ग वाले अच्छे,
भक्ति मार्ग में कोई भी संस्था में चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, जो मिलता है सो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो बाप कहते हैं जो सत्युग आज में आने वाले होंगे वो शुरुआत से ही छिपे नहीं रहेंगे, परंतु इन बातों को सब नहीं समझ सकेंगे। अपन को देखना चाहिए कि हम सत्युग आदि में आवेंगे नहीं आवेंगे, तो पिछाड़ी में जाकर के थोड़ा पद पाते क्या? जो आठ की लिस्ट में नहीं आवेंगे, बाद में आवेंगे तो उनका पद थोड़ा कैसा थोड़ा होगा? बिल्कुल थोड़ा। आठ दिग्पाल बन सकेंगे क्या? नहीं। शास्त्रों में दिखाया है ना दिग्पाल, दिग माने दिशा, आठ दिशाओं की पालना करने वाले विश्व विजेता। बाप आकर के ऐसा पद देते हैं ना, अगर पहले आते भी हैं, मान लो सत्युग आदि के जन्म में आ गए, 84 जन्म तो लिए, परंतु एकदम आदि में नहीं आए। जो पहला पहला फाउंडेशन है नई दुनिया का, तो क्या रिजल्ट आवेगा? आवेंगे तो, लेकिन जो पहले पहले वाले आठ हैं उनकी चाकरी करेंगे। चाकरी करेंगे या उनको कंट्रोल में रखेंगे या वो हमको कंट्रोल में करेंगे? ये कामन बातें हैं समझने की, इसलिए बाप को बहुत याद करना चाहिए। और याद कौन करेंगे? जास्ती याद किनको आवेगी? जो बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे वो बाप को बहुत याद करेंगे। और दिल पर कौन चढ़े हुए होंगे? दिल पर वही चढ़े हुए होंगे जो बाप की सेवा में तत्पर ये रहते हैं। सबसे उन बच्चे बाप को बहुत याद आते हैं। तो जिन बच्चों को बाप याद करता है, बाप तो सर्वशक्तिमान है, तो उन बच्चों को याद की ताकत जास्ती मिलती है, पावर बढ़ जाती है। बच्चों को अपनी याद से, अपनी याद की पावर से याद करने में, और बाप की शक्ति मिलती है उस रूप से याद करने में बहुत फर्क पड़ जाता है। तुम बच्चे समझते हो कि हम यह विश्व के मालिक बनने आए हैं? कौन से विश्व के मालिक है? आठ का गायन जो है वो हर धर्म में है। इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में भी आठ फरिश्ते गाए जाते हैं। कुरान में भी लिखा हुआ है खुदा का तख्त किसने उठाया? आठ फरिश्तों ने उठाया। वो वजन वजन वाला तख्त है, सिख लोग उसको क्या नाम देते हैं? अकाल तख्त, जिसको कोई काल खा न सके। तो जो याद करेंगे उनको खुशी जरूर होगी, और खुशी ही संगम युग का खजाना है। जितना याद की यात्रा में रहेंगे, राजा बनना है तो प्रजा भी इतनी बनानी पड़े क्या? राजाएं कितने होंगे? संख्या कितनी है राजाओं की? जो ईश्वर बाप से राजा ही लेते हैं, राजाई का वर्षा प्राप्त करते हैं। संख्या 108। तो क्या करना पड़े उनको? राजा बनने वालों को फिर उतनी
प्रजा भी बनानी पड़े, माने इतनों को संदेश भी देना पड़े। एक राजा को कितनी प्रजा होती है कम से कम? लाखों की तादाद में प्रजा होती है। तो अपन से पूछना चाहिए, हमने इतनों को संदेश दिया है, नहीं तो कैसे समझेंगे हम राजा बनेंगे? संदेश ही नहीं देंगे, प्रजा ही नहीं बनाएंगे। संदेश देकर के फिर उनको पुरुषार्थ करने लायक बनाना, आप समान बनाना, वो तो अलग बात। लेकिन पहले पहले तो क्या करना पड़े? संदेश देना पड़े, प्रजा बनानी पड़े। जो सेंटर खोलते हैं और सर्विस भी करते हैं, उनकी तो कमाई होती है ना। सेवा भी करते हैं, प्रजा भी निकालते हैं, संदेश भी देते हैं, और फिर जो ज्ञान की सेवा करते हैं तो उनकी कमाई तो होती रहती है। इनमें भी बहुतों को फायदा मिलता है तो उसका फल मिल जाता है। कोई ऐसे होते हैं कि तीन तीन चार चार सेंटर्स खोलते हैं तो सबकी दिल में होता है ना कि इन्होंने हमारे कल्याण के लिए सेंटर खोला, तो उनका फल मिल जाता है। क्या फल मिलता है? दुआएं मिल जाती हैं। कितनी बांधेली माताओं को शरण मिल जाती है। बाबा को लिस्ट निकाल करके दो कि किसने किसने डायरेक्ट सेंटर खोला है, डायरेक्ट सेंटर मान, और इनडायरेक्ट सेंटर क्या होता है? डायरेक्ट मंदिर में मुख्य मूर्ति किसकी होगी? देवताओं की होगी, या सारे ड्रामा का जो डायरेक्टर है उसकी मूर्ति होगी? मधुबन खोलते हैं तो मधुबन किसे कहा जाता है? मधुसूदन है, वो है मधुबन का मुखिया। तो बोला डायरेक्ट सेंटर खोलना है। डायरेक्ट माने किसी और के अंडर में ना हो, किसके अंडर में हो? एक बाप के अंडर में, डायरेक्ट बाप। और बाबा भी तो सेंटर खोलते हैं क्या? बाबा खुद भी सेंटर खोलते हैं और बाबा का डायरेक्ट आधिपत्य रहने वाला सेंटर दूसरे बच्चे भी खोलते हैं। तो जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता जाता है ना, किसके पास? बच्चों के पास, जो कमाई का हिस्सा वो मिलता है, उसका हिस्सा मिल जाता है। मिलकर के माया के दुख का छप्पर उठाते हो, अकेले नहीं उठाते हो, मिलजुल करके माया का छप्पर उठाते हो। तो उस छप्पर उठाने में सब अपना अपना कूल्हा देते हैं। अभी तो तीन चल पड़ी है, पहले क्या करते थे? घास फूस का बड़ा छप्पर बनाते थे और डालते थे, अकेले उठाते थे क्या? है, मिलजुल करके उठाते थे ना। तो सब कूल्हा देते हैं, कंधा देते हैं, तो सबको मिलता तो है ना। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं और जितनी मेहनत करते हैं तो जरूर ऊंच पद भी पाते हैं। और जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उसकी निशानी क्या होगी? वो निशानी भी देखने में आवेगी।
सब उसको बुलाएंगे भी तुम्हारा को ज्ञान सुना। ऊंच पद पाने वाले होंगे तो उनकी निशानी होगी उनकी खुशी, उनकी खुशी का पारावार चढ़ा हुआ रहेगा, बहुत खुशी होगी। दिल जानते हैं हम कितने को समझाया, कितने का उद्धार किया, क्योंकि जानते हैं सब कुछ करने का समय तो यही है, यही माना संगम युग है ना। खान पान तो सबको ठीक मिलता ही है, परंतु कोई तो ऐसे है कुछ भी काम नहीं करते, ऐसे ही चलते रहते, कोई बल कुछ भी नहीं देते हैं। जैसे मम्मा आई, कुछ लाई क्या, कुछ लेकर के तो नहीं आई, लेकिन पद पद ऊंच बन जाता है किस आधार पर, सर्विस बहुत अच्छी थी, सर्विस से ही उनका बहुत कल्याण हो गया। तो ऐसों की डबल सर्विस चाहिए क्या, सर्विस भी डबल चाहिए, योग की भी सर्विस है ना, अब भी बिचारी योग चाहिए, कितनी डबल डायरेक्शन मिलती रहती है। आगे बाबा बिंदी बिंदी थोड़े ही कहते थे कि बिंदी को याद करो, क्या कहते थे, शुरुआत में बिंदी का ज्ञान था है? नहीं नहीं, ये ज्ञान किसने निकाला, जो याद वाला होगा उसकी बुद्धि तीखी बनेगी, तो मम्मा ने ये ज्ञान निकाला क्या कि हम आत्माएं ज्योति बिंदु तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। पहले तो लिंगाकार स्वरूप को याद करते थे शुरू शुरुआत में, क्या लाइट की ज्योति याद करते थे, शिवलिंग याद करते थे, लाइट का आकार। बाद में मम्मा ने बताया कि हम तो ज्योति बिंदु आत्मा है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, इतना बड़ा लिंगाकार नहीं है, ज्योति का लिंग नहीं है, क्या है वो भी ज्योति बिंदु है। अभी तो आगे चल के पता नहीं क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी इस बारे में है? बाप की याद के बारे में, बाप के स्वरूप के बारे में आगे चल के पता नहीं क्या क्या पॉइंट निकले, कुछ पॉइंट बदले कि नहीं बदले। पहले लिंग रूप को याद करते थे, बाद में बिंदु को याद करते गए, फिर बाद में साकार ब्रह्मा में निराकार को याद किया, फिर बाद में कुछ और निकला क्या, फिर बुद्धि में आया ये तो डायरेक्ट स्वरूप नहीं है, ब्रह्मा में ज्योति बिंदु शिव निराकार को याद करना ये भी इनडायरेक्ट है, तो क्या बात निकलती है, साकार में उस साकार में निराकार को याद करना जो बाप का भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, बाप के रूप में आत्मा रूपी बच्चों को जन्म देता है, आत्माएं समझती हैं कि हम आत्मा का ये पार्ट है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुख्य पार्ट ये है और अनेक जन्मों का पार्ट ये है, हर आत्मा समझेगी, बाप के रूप में जन्म देता है। जन्म देने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ इतना जानना है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, वो तो सभी आत्माएं ज्योति बिंदु है, लेकिन जन्म का अर्थ क्या है कि मैं बाप का कौन से नंबर का बच्चा हूं, अव्वल नंबर का, द्वयम नंबर का, 108वां नंबर का,
किस नंबर का बच्चा हूँ? राजयोग तो सीखने वाला हूँ बाप टीचर सदगुरु से, लेकिन इस राजयोग के स्कूल में मेरा नंबर कहाँ पर है? तो आत्मा अपने को और अपने बाप को एग्जैक्ट पहचानती है, तो वर्षा मिलता है, दिन प्रतिदिन याद में तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। क्या जिन्होंने बिंदु को याद किया और उससे आगे नहीं बढ़े तो कहेंगे उनकी उन्नति हुई है? क्यों नहीं हुई उन्नति? क्योंकि सिर्फ निराकार को याद करने वाले विधर्मी तक बनते हैं, दूसरे धर्म में उच्च पद पाए सकते हैं, क्योंकि निराकार को याद करने वाले क्षिप्र गति वाले होते हैं, परंतु फिर भी परमात्मा बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। इसलिए जो प्रैक्टिकल बाप आकर के प्रैक्टिकल नई दुनिया की स्थापना करते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो नए नए पॉइंट्स निकलते रहेंगे। जो सेवा में तत्पर ही रहते हैं वो झट उन नए पॉइंट्स को पकड़ लेते हैं। क्या पॉइंट की पकड़ भी किसको होगी? उन बच्चों को पकड़ होगी जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, जो सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही। बिंदी कैसे समझूं ऐसे बोलते रहे, हालांकि बिंदु को याद करना ये भी परमात्मा बाप का एग्जैक्ट रूप नहीं है, फिर वो वहीं अटक जाएंगे, सेवा नहीं करेंगे तो बिंदी कैसे समझूं इस बात में ही अटक जाएंगे, बिंदी बिंदी करते करते उनके प्राण निकल जाएंगे, उससे आगे पहुंच नहीं सकेंगे। तुम कोई से भी पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का नाम, आत्मा का रूप, देश, काल बताओ, कब नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? नाम किस आधार पर पढ़ते हैं परमात्मा के? काम किया होगा, काम बिंदी फुदक फुदक के करेगी या कोई शरीर के द्वारा करेगी? कोई शरीर के द्वारा इतने काम किए होंगे तो इतने नाम पड़े हैं, उनका रूप बताओ कैसे है? परमात्मा का रूप बिंदु, गर्भ में बच्चा जन्म लेता है उसका भी अपना रूप बनता है, जो रूप बनता है वो कर्म के आधार पर बनता है कि ऐसे ही बन जाता है? कर्म के आधार पर रूप बनता है। वो परमात्मा बाप जो संसार में परमपिता परमात्मा बनकर के प्रत्यक्ष होता है उसका रूप तो कैसा होगा? है साकार रूप तो होगा, लेकिन कितना आकर्षण वाला होगा? भक्ति मार्ग में तो नाम दे दिया है कृष्ण माना आकर्षण करने वाला, लेकिन अभी तो हम जानते हैं कि कृष्ण आकर्षण करने वाला है। कौन सा कृष्ण आकर्षण करने वाला है दुनिया को? सतयुग का कृष्ण या संगमी भी कृष्ण? संगमी भी कृष्ण आकर्षण करने वाला। तो किसी को यह पता नहीं है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है और उसमें क्या पार्ट भरा हुआ है।